मैं, मनीषा और तनु, हम लोग जा रहे हैं ज़मीन पे, जो हमारा चौखट है ना वो लगा हुआ है, तो उसके ऊपर पूजा वगैरह जो जैसे करते हैं ना वो चीज़ें आज होंगी। फाइनली पूजा वगैरह स्टार्ट हो चुका है, इधर से दिखा दो आओ। तो फाइनली नए घर के चौखट पे इतना खुशी हो रहा है, मनीषा भी खुश है, हम भी खुश हैं। Pick apart your every word, push it down like I'm unconcerned. Family, what's up guys? कैसे हैं आप सभी लोग? सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग गाइस। वक्त हो चुके हैं शाम के 3:46, 3:50 में मनीषा की छुट्टी हो जाती है। मैं अभी कोचिंग से निकल रहा हूँ, क्लासेस वगैरह हो चुके हैं कंप्लीट, एंड आई टू मूव ऑन टू द कॉलेज। और लास्ट टाइम जब मैं यूनिवर्सिटी गया हुआ था ना, तब वहाँ पे पुलिस वाले से कुछ बातचीत हो चुकी थी। जस्ट होप कि आज वैसा कुछ ना हो, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, और रोड पे एकदम अगर कोई रोकता भी है तो ट्रैफिक वगैरह लग जाता है, जिसकी वजह से हम तो चलो मैं तो फिर भी चढ़ा के निकल जाता हूँ, लेकिन बाकी लोग कई लोग पार्क करके भी चले जाते हैं ना, पार्किंग में जगह तो होती नहीं है। यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा मतलब बहुत क्राउड हो गया, मैनेजमेंट में पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन चलते हैं पहले मनीषा को लेकर के आते हैं। और आज हो चुकी है मस्त वाली फिर से बारिश, तो आज ये सुबह से दूसरी बार बारिश हो रही है। बीच में धूप आ गया था, एकदम मस्त मौसम हो गया था, अभी फिर बारिश होनी शुरू हो चुकी है। ओ भाई कैसे चला रही हो गाड़ी, ये देखो ये देखो 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 कैसे छींटे लेके गया अल्टीमेट ना। चलो भाई, तो अभी फिलहाल चलता हूँ मैं यूनिवर्सिटी पहले, और मनीषा को लेके आते हैं। वैसे बारिश में ना चलने का मज़ा ही अलग होता है, इतना सुंदर सुनहरा पल, सनरूफ खोल दो एकदम मस्त वाली फीलिंग। ये देखो सनरूफ, जैसे गाड़ी पूरी कितनी सुंदर लग रही है एकदम। और अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा घर। घर पे मैंने लिया हुआ ये कड़ी पत्ता का पौधा, मुझे कड़ी पत्ता बहुत पसंद है, तो कड़ी पत्ता का पौधा वो ले लिया, आज वहाँ लगा भी देंगे, उसके बाद से चलते हैं। तो फाइनली मनीषा आ चुकी है कॉलेज से, साथ में राशिद और तनु भी आ चुकी है। तनु तो एकदम धीरे धीरे चलती है, पैर में दही जमा के। इतना दिन के बाद लाइब्रेरी गए थे, पासवर्ड ही भूल जाते हैं, बार बार चेंज करवाते हैं। बोले फिर चेंज करवाई है? हाँ, बोले कि हे भगवान हम चेंज नहीं करवाए। बोले ऐसे मेरे को इशू कर दो नॉर्मल, तो बोला पासवर्ड नहीं याद है क्या, पता चल जाता है तभी बच्चे ऐसे बोलता है। तो बोले लेकिन नहीं मैं भूल गई हूँ, कम से कम 1-6 महीने बाद आ रही हूँ मैं लाइब्रेरी में। तो बोला कि अभी अपना मोबाइल नंबर दे दो, तो अभी मेरे को याद है, 2-3 दिन तक याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। तो पासवर्ड क्या है बता दो? अपने मोबाइल नंबर है मेरा 5 डिजिट मोबाइल की। चलो ठीक है, तो ये हमको याद रहेगा ना, तुमको नहीं याद रहेगा, हम याद दिला देंगे। और राशिद तुम्हारा कैसा रहा कॉलेज? आज तो मस्त मजा आया। क्या क्या सीखने को मिला? आज भी पोस्टिंग हुआ था, और आज इंग्लिश में कंप्यूटर के लिए अप्लाई करे थे लोग, नहीं है तो। तनु का अच्छा रहा? आज दो ही क्लास चला हमारा बस। तो आज गाइस एसी की जरूरत किसी को पड़ी नहीं होगी, क्योंकि मौसम इतना ठंडा है। बहुत गर्मी था लंच के बाद, बहुत ज्यादा गर्मी था, पता ही नहीं चल रहा है हम लोग को। बाहर के लोगों के लिए बाहर का मौसम अच्छा है, जो क्लास के अंदर रहते हैं उनके लिए गर्मी है। चलो गाइस अब चलते हैं घर, खाना पीना सब कुछ पाएंगे पिएंगे। आज लोग कमेंट किए थे कि तनु को आप लोग अलग कर दिए, कैसे हैं कि वो एक लोग का खाना आप नहीं खिला पा रहे हैं, मतलब बताओ यार। ये खुद ही तो तनु का गाइस स्टार्टिंग से ही उसका किचन अलग है, लेकिन सिलेंडर नहीं था, इसलिए मैंने सिलेंडर अपना ही मंगवा करके डबल सिलेंडर करवा के उसको एक सिलेंडर दिए, तो उसका शुरू से ही अलग है। क्योंकि तनु का क्या है ना, शॉर्टकट फार्मूला है, तनु एक बार बना लेती है शाम तक कैसे काम हो जाएगा, फिर रात को डिनर बनाएगी, दैट्स इट। हम लोग क्या है कि 3-4 बार बनते रहता है खाना, कुछ भी कुछ। वैसे तो नाम के लिए ये ऊपर, लेकिन खाना पीना तो बनते रहता है सबका साथ में, बाकी जिसकी जैसी इच्छा। वी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट एनीवन। वैसे हम लोग एक बार भी नहीं बोले कि तुम अपना अलग कर, हम मतलब मजाक में बोल देते हैं कल खुद ही। इसको चूंकि ईज पड़े ना, क्योंकि इसको जल्दी से खाना बना के जाना पड़ेगा सुबह सुबह कॉलेज। अब क्या होगा कि यहाँ नीचे अगर खाना बनाएगी तो सोचेगी कि यार उनके लिए बना दूँ, उनके लिए बना दूँ, सबके लिए करते करते इसको जहाँ 4 रोटी बनानी है, 6 रोटी बनानी है, वहाँ इसको बनाना पड़ जाएगा 25 रोटी, 40 रोटी, 30 रोटी। तो मैं नहीं चाहता कि इसका टाइम किल लो, इसलिए तुम अपना जाओ, अपना पढ़ो लिखो, सिर्फ अपना रोटी बना के जाओ, दैट्स इट। और मैं इसीलिए इसको ही बोलता हूँ बार बार, तो इसको अदर वे में आप लोग ना ले, अलग नहीं करा है किसी को, सब एक ही है, सब अलग ही। चलो गाइस तो अभी निकलते हैं, मस्त हिमाचल की पहाड़ी दिख रही थी अभी आते टाइम, हाँ आते टाइम भी दिख जाएगी।
तो दोस्तों अभी मनीषा आ चुकी है यूनिवर्सिटी से और आते आते खाना पीना खा रही हैं। फिलहाल मैं तो खाना पीना खा चुका हूँ। झाड़ू लगाते हैं, रूम साफ करते तब खाते हैं। मैंने वही झाड़ू पोछा, खाना पीना। ये देखो ये कब्जा कर लिए कुर्सी किसी और की कुर्सी लेके बैठ जाती हैं। ये मेरे लिए स्पेशल लाया गया है। अच्छा ये पेंट वेंट लगा ना बेकार सा टूटा फूटा भी, चलो कोई नहीं। माना तो अभी ताजा सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि मैं मनीषा और तनु हम लोग जा रहे हैं ज़मीन पे, जो हमारा चौखट है ना वो लगा हुआ है, तो उसके ऊपर पूजा वगैरह जो जैसे करते हैं ना वो चीज़ें आज होंगी। तो आप लोगों को वो वाला पार्ट दिखाते हैं। बहुत अल्टीमेट फीलिंग होती है गाइस एक घर अपने हाथ से बनवाना, मतलब सीरियसली। तो उसका एक सबसे पहला जो काम होता है वो तो नींव का भूमि पूजन वगैरह, उसके बाद अब जो हमारा जो स्टेप है ना वो है चौखट के ऊपर तिलक लगाना। तो मनीषा वो लेडीज़ के हाथ से ना, मतलब मैं मानता हूँ ज़्यादा शुभ होता है। तो मनीषा की तबीयत ठीक नहीं है तो आज तनु हमारे लिए पूजा पाठ वगैरह करेंगी, तो आप लोगों को सब देखने को मिलेगा। मस्त आप लोग एंजॉय करेंगे। देखो ये भी चीज़ तनु के हाथ से लिखा हुआ था, है ना। तो माता रानी ऊपर है, माता वैष्णो देवी के आशीर्वाद से सब बन रहा है और जल्दी सब ठीक हो जाएगा। तो आपको दिखाते हैं झलक। तो ये वाला घर तो आपने देख ही लिया है, साथ में वो वाला घर भी प्लास्टर हो चुका है। थोड़ा सा सेफ से चलना, इस साइड से चलो। और मनीषा आती है एक ही बार 4-5 दिन बाद प्लॉट पर, मैं तो खड़ा रहता हूँ डेली। तो ये वाला घर भी ऑलमोस्ट हो गया, साथ में साइड वाला भी आपको दिखाते हैं प्लॉट। थोड़ा सा इस पे ये वाला मिट्टी थोड़ा फिसला है, इस पे चढ़ जाओ। तो गाइस अभी ये सारा बजरी वो देखो आउ आउ कर रही है। चलो तो हम पहुंच चुके हैं अपने घर पे, और हमारा घर देखोगे, ये देखो कितना हो गया है ना, मस्त तिरंगा भी हमारा लहर रहा है। वो आज बहुत तेज आंधी पानी आया है, इसका डंडा थोड़ा तिरछा हो गया। तो गाइज ये हमारे घर का मेन एंट्री होगा, ऐसे एंटर करेंगे टिक डिंग टिक डिंग टिक डिंग, और इस चौखट पे अभी हम लोग पूजा पाठ करेंगे। तो तुम चढ़ोगी कैसे, चेयर ला के वो लोग दिया था। फिर यहाँ ये किचन, फिर ये पूजा रूम, और यहाँ पे ये बेडरूम 1, बेडरूम 2, ड्राइंग रूम। बस छोटा सा हमारा घर वहीं पे वही चौखट पे करना है, है ना। कैसा लग रहा है अंशा, इसलिए हम डेली नहीं आते हैं। देख रहे हो गाइस कितनी चला के करिए, जब बन जाएगा अच्छा लगेगा तब आएंगे। डेली आके खड़ा होकर करवाई तो ना समझ में आएगा कितना अच्छा लग रहा है ना। फाइनली पूजा वगैरह स्टार्ट हो चुका है, इधर से दिखा दो आओ। अरे ही लगा रही चिप चिपकाने के लिए। जय माता रानी, हमारे घर का हो गया पूजन। तो फाइनली नए घर के चौखट पे इतना खुशी हो रहा है, मनीषा भी खुश है, हम भी खुश हैं, और सारे लोग खुश होंगे, आप लोग भी बहुत सारे लोग खुश होंगे। तो देखिए टीका कैसे लग गया हमारे चौखट पे, और इसके बाद इसमें बांध दो, इधर से घुमा के फेंको, ये वाले पार्ट फेंको उधर से, हो गया पूजा। और तनु देखो कहाँ चढ़ी, ये भी दिखा दो। तो आप समझ सकते हो कि हमारे चौखट की हाइट जो है वो ठीक ठाक है, 8 फुट का है। और ये मेन घर का एंट्री है, अभी पूरे चौखट में बंधाएगा ना, नहीं टीका लगेगा बस। हाँ टीका पूरे चौखट में लगेगा। अब थोड़ा मेरे को अच्छा लगा, मनीषा को थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। जय माता रानी, बस सब कुछ अच्छे से हो यही दुआ है, और उम्मीद करते हैं सब अच्छा होगा। इतने दिन से गाइस यहीं पे लगा हूँ मैं, बहुत मेहनत करना पड़ता है, पूरा टैनिंग वगैरह सब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। छोड़ो आज बारिश हुआ तो थोड़ा रिलैक्सेशन लग रहा था मुझे भी, और लेबर मिस्त्री को भी। कितना आज पानी की जरूरत नहीं पड़ा, तराई हो गई वैसी, तो वो दीवार जुड़े हैं आज ये लोग। बारिश की वजह से थोड़ा कम हुआ, नहीं तो वो वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर देते हैं। क्योंकि ऊपर की दीवार में, ऊपर की दीवार में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। ठीक है गाइस बने रहो आप लोग। आई वक्त चप्पल पहन लिया था
माता रानी की से अंदर जाना है। चप्पल करके रूम के अंदर है, ये हमारा किचन है। आप भी साथ में जाके कर लीजिए, ये किचन का है। यहाँ पे पूजा वाला रूम बनेगा, यहाँ पे ये जो दिया का जल रहा है, दिया इसका खाना, ये पूजा वाला, यहाँ पे डेली पूजा वाला। एक मिनट, दिया यहाँ पे भी रखना है, वही वाला दिया तो हम बोल रहे थे लाने के लिए, यहाँ पे है ना सर पे एक दिया, यही रख दिया जाएगा। कोई भी छोटा सा भी दिया होगा ना जलाने के लिए। बड़ा वाला दिया आएगा ना तो वो उसमें पूरा तेल भर के रखाएगा तो रात भर जलेगा। रात भर नहीं जलाते, थोड़ा जला के रखते हैं शाम के टाइम पे। शुरू के स्टॉक तो खत्म कर लेंगे, आप आ जाएंगे पूजा करने के, चल रहेगा पूरा घर नाप रहे हैं। यहाँ होगा हमारा शानदार सीन। चौखट हो गया इसलिए चलो हो गया सारा। वो अंदर वाला भी टिको, अंदर में जो है भाई वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो थोड़ा सीधा करते हैं, कल लेबर लोग से करवाएंगे सीधा। पूरे कॉलोनी में पता है हमारे घर भी तिरंगा लगा है, सबके घर का तिरंगा, एक वो फर्स्ट वाले घर पे भी लगा है, और ये तिरंगा को मैंने उठाया हुआ था, कहीं मिल गया था उनको। चार, एक एंट्री, दो और एक तीन और एक ये गेट। हाँ बाथरूम का भी चार और घर का। बाकी भी पूजा तो खत्म हो गया और डिस्कशन चल रहा है बाथरूम का। इतना बड़ा बाथरूम हो रहा है तो फिर ये बोल रहा है कि ये ड्रेसिंग एरिया है, तो ये बोल रहा है कि यहाँ बेसिन लगेगा, तो मैं बोली इतना बड़ा बाथरूम है, यहाँ भी कवर्ड है, यहाँ भी कवर्ड है, यहाँ भी कवर्ड है, यहाँ पे एक बेसिन लग जाएगा छोटा सा, कोई खा पिए का हाथ धोने के लिए। बेसिन का बात नहीं, अगर कपड़ा जहाँ रखाए वहाँ बेसिन लगेगा फिर अच्छा नहीं लगता है, वो एरिया भी गंदा होता है, फिर नीचे का 14 फीट है, फिर पानी भी नीचे जाता है, फिर वो गंदगी नीचे जाएगा। अरे पानी उधर जाएगा बाथरूम में, वही तुम कह रहे हो तुमको। देखो ये मुझे तो भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको नहीं समझ में, क्योंकि इंजीनियर मैं हूं ना, ये तो अभी अभी तो ड्रेसिंग एरिया में ये बाथरूम, वो ड्रेसिंग उधर है, उधर वो नहीं ड्रेसिंग, मैडम जी उधर उस साइड, राइट साइड, ये इसका चौखट, स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, ये इसका चौखट बन गया है, तो बाथरूम का जितना भी काम होगा सब उधर ही होगा, इधर ठीक है। तब लॉबी में एक वो लगेगा बेसिन, बाहर एक बेसिन चाहिए ना, लॉबी में तो बेसिन होता ही है। ठीक है चलो,
आगे आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नहीं है नहीं है, नहीं आगे बढ़ो, आपकी जोड़ी बनी रहे। हमारी जोड़ी यहाँ जोड़ीदार तो बाहर है। और गाइस अभी रात के 9 बजे हम लोग फ्रूट्स खरीदने आए निशा के लिए, भी नारियल पानी आज गया नहीं था तो मैंने बोला चलो ले लेते हैं। हो गया obsessively check my phone, do you even know?